हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रेट पैरेट्स गेमिंग। और मेरे चैनल पे यानी ग्रेट पैरेट्स गेमिंग पे। तो आज हम लोग आपको बताएंगे फाइनली TH8, ये हम लोग का एक टॉपिक है। तो जैसे कि मैंने ये न्यूज़ अभी तक आई नहीं है, पर मैंने ये वीडियो बनाई है TH8 के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा TH8 हो गया है। अब इधर मैं ये सिर्फ आप लोगों के लिए TH8 कर दिया है, क्योंकि मुझे आपको TH8 के आने के बेनिफिट्स बताने हैं। तो जैसे कि TH8 पे काफ़ी चीज़ें खुल जाती हैं, बम टावर, मोटर, डार्क लेजर ड्रिल, डार्क बैरक, ये नई चीज़ें खुलती हैं। एक विजार्ड टावर खुलता है अलग से, और एक आर्चर टावर खुलता है, एक जॉइंट बॉम्ब खुलता है, एक गोल्ड स्टोरेज खुलती है, एक एलेक्जर स्टोरेज खुलती है, दो स्प्रिंग ट्रैप, दो स्केलेटन ट्रैप, एक एयर सिकिंग माइन, दो एयर बॉम्ब। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो TH8 पे खुलती हैं, और साथ ही में एक हिडन टेस्ला भी खुलता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं से लगा रही हूँ, पर मेरे पास बिल्डर नहीं है, क्योंकि इस आईडी में चार ही बिल्डर खुले हैं। तो जैसा कि TH8 के बारे में बताना है मुझे, कि TH8 काफ़ी अच्छा टाउन हॉल होता है। ग्राउंड इस टाउन हॉल पर आपको ग्राउंड आर्मी की काफ़ी समझ हो जाती है, क्योंकि जो TH9 है उस पर तो ज़्यादातर ड्रैग अटैक की काफ़ी डिमांड चल रही है, यानी लावा लून अटैक। तो आते हैं TH8 पे। तो TH8 पे जैसे कि यहाँ प्रैक्टिस मोड में काफ़ी सारे दिए गए हैं, हैवी हीटर्स, एयर रेड, हैवी हीटर्स, व्रिल पावर, ये दो अटैक हैं जो वो दिए गए हैं। पर फिर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियो TH8 पे है, और मैंने इस वीडियो में आपके लिए एक अलग अटैक लाया है, तो वो अटैक है ड्रैग अटैक। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ड्रैग अटैक काफ़ी हैवी अटैक होता है। तो जैसे हम लोग के इस टाउन हॉल पर ड्रैग लेवल 3 के हो जाते हैं, तो और लाइटनिंग लेवल 4। तो जैसे और जब आप अर्थ को एक स्पेल खोल लेते हैं, तो आप यानी 4 लाइटनिंग स्पेल ले जा सकते हैं, और 5-5 की 2 लाइटनिंग स्पेल हैं, आराम से TH8 का एयर डिफेंस, चाहे वो लेवल 6 का लेवल 5 का, तो बहुत आराम से गिर जाएगा। लेवल 6 का भी गिर जाएगा, उसकी आपको कोई चिंता लेने वाली बात नहीं है। और इस टनल पर तो सबको पता है कि इस टनल पर CC की स्पेस बढ़ जाती है, तो उससे भी हम लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो जैसे कि जो न्यू TH8 है मेरी तरह, उनके लिए मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग अभी न्यू हैं, तो आप आराम से खेलें, हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि अगर आप हड़बड़ाए तो आपको कोई बहुत हो सकती है। तो आप आराम से इस टाउन हॉल पर आपको नीचे से नीचे ले जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी में ट्रॉफी से जाकर आपकी चीज़ अपने लगना, क्योंकि इस टाउन पर हर चीज़ काफ़ी कॉस्टली है, रियली कॉस्टली है। बड़े से बड़े टाउन वाले यूज करते हैं, जी हाँ, क्योंकि ड्रैग स्ट्रैटी इज द बेस्ट स्ट्रैटी फॉर म्यूजिक एंड किलिंग द बेस, डिस्ट्रॉइंग द बेस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जो ड्रैग स्ट्रैटी है, यानी ड्रैग के हिट पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं और डैमेज पर सेकेंड काफ़ी होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 10 ड्रैगन्स में ओनली 5 ड्रैगन बचे हैं, क्योंकि 5 की लोग हैं, पर ये बेस 100 है। ये एक बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रैटजी है, आप यही ले जाइए, आप बस करिए, आपको 100 से मतलब नहीं रखना है, आपको बस लूट चाहिए, लूट चाहिए।
अपग्रेड हो जाए TH8 के हिसाब से, फिर आप प्रैक्टिस मोड में जाके कोई भी स्ट्रेटजी आप दो में से ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में ज़रूर डालिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और ये ना बताना भूलिए कि वीडियो के में आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम अगेन एंड वॉच। बाय बाय फ्रेंड्स।